कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरा लाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। अंतिम निर्देश, वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी सात्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लग उन रोगों का उपशमन करने वाली, उनसे स्वतंत्र करने वाली अगर कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, स्वतंत्रता शब्द सुनते ही वह एक फील, वह एक अनुभूति होती है कि हम भी कभी परतंत्र थे और आज हम स्वतंत्र हुए। क्योंकि स्वतंत्रता का तभी भान हो सकता है, स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति को अपनी सत्ता का भान हो। भारत को, भारतवासियों को भी अपनी सत्ता का, अपनी मौजूदगी का भान हुआ कि हम अपने ही देश में रहते हुए अपने हिसाब से अपने अनुकूल नहीं जी पा रहे, दूसरों की गुलामी करनी पड़ रही है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ, मेरा देश है, ये जैसे ही स्वयं के सत्ता का भान हुआ, इनकलाब प्रारंभ हुआ और अनेक 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 साधनों से व्यक्तियों ने, भारतीयों ने अपने भारत को, अपने आप को, अपनी माँ को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। मात्र देश नहीं, भारत में मात्र देश की ही स्वतंत्रता नहीं अपितु आत्मा की भी स्वतंत्रता की बात की। अन्य भी बहुत सारे देश गुलाम हुए थे इस जगत में, उन देशों को तो स्वतंत्रता मिली पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में 6-7 खंडों में अगर कहीं आत्मा की स्वतंत्रता की बात की है तो मात्र इस भारत भूमि में ही की। एक जैन दर्शन ही नहीं अपितु लगभग लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि हम अपने आत्मिक धर्म के माध्यम से अपने आत्मा को भी स्वतंत्र कर सकते और वास्तव में जिसे अपने आत्मा का, अपने धर्म का, अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है वो ही संसार से, दुखों से और गुलामी से दूर होने का और स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। साधन अनेक हो सकते हैं पर इन सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन अगर हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने हमें दिया है तो उसका नाम है अहिंसा। एक एक ऐसा पूरा धर्म है जो मात्र अहिंसा पर टिका हुआ है, जहाँ सभी धर्मों की अहिंसा समाप्त होती है, सभी देशों की, सभी मान्यताओं की अहिंसा समाप्त होती है, वहाँ हमारे वीतराग धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। शायद आज तक हमने उस अहिंसा के मायनों को नहीं समझा। भीतर राग द्वेष विषय कषायों की गांठ रखकर आज तक हमने बहुत गला फाड़कर ये नारा तो पंकज जी लगाया अहिंसा में विश्व धर्म की, पर जय करते करते बगल में बैठे हुए दोषी को डोसा दे दिया। हम तो जय बोल रहे थे, अब लग गया, कह दिया सॉरी, हो गया। पर पुरानी जो भीतर बैठी हुई कसाय थी ना, मैं उसको सिखा दूंगा,
वह यहाँ तो नारा लग रहा है अहिंसा में विश्व धर्म की, और मार दिया ठूसा, दे दिया घूसा। ये भीतर बैठी हुई कसाय का हमने प्रदर्शन किया, ना कि हमने आज तक धर्म को समझा। अगर इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का हर व्यक्ति हमारे तीर्थंकरों की अहिंसा को समझ ले, तो आज अनुबम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अणुव्रतों को धारण करते हुए वो भी भगवान बन सकता है, पर अणुबम को पटकते हुए, उसे खोजते हुए, दूसरों को तहस नहस करने का, अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने के लिए इंसान दौड़ रहा है, पर इस शरीर से, इस दुखों से, इस संसार से, जो आज तक गुलामी को हम भोगते रहे, उससे छूटने के लिए अणुव्रत धारण करने का कभी विचार नहीं कर। अहिंसा चाहे अणुव्रतों में हो, चाहे अहिंसा महाव्रतों में हो, अगर थोड़ी सी भी अहिंसा जीव समझ ले, तो उसके जीवन का आनंद और जीवन का बहुत सारा रहस्य गणित बदल सकता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो कितना किलो नमक रोज भोजन में डालते? 2 किलो? कितना सा? जितनी सामग्री है उस सामग्री को भी स्वाद देने के लिए माँ चम्मच से, कटोरे से, किससे डालते? समझदार माँ, समझदार गृहिणी कभी चम्मच से नमक नहीं डालती। जब भी नमक डालती है, देख देख कर हाथ से और चुटकी से ही नमक डालती है। वह चुटकी भर नमक भी तुम्हारे भोजन में स्वाद लेने के लिए, देने के लिए पर्याप्त है। यानी ऐसी ही चुटकी भर अहिंसा भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो तुम्हारे जीवन का स्वाद बदल सकता है। क्योंकि वास्तव में हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारे धर्म की अगर कोई पहचान है, तो वह अहिंसा है। और किलो भर अहिंसा, जैसे किलो भर नमक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे बहुत कुछ करने से ही अहिंसा हो जरूरी नहीं है। हमने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को समझ लिया, ये भी हमारी बहुत बड़ी अहिंसा है। हमारे भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने, मुनिराजों ने कही ये सलाह हमें नहीं दी कि आप दूसरों को समझाओ, दूसरों की स्वतंत्रता के लिए लड़ो। अगर तूने अपनी स्वतंत्रता को पहचान लिया है, तो पूरे देश की, पूरे समाज की, पूरे धर्म की स्वतंत्रता अपने आप प्रकट होगी। पर आज समस्या ये है कि हम सबको स्वतंत्र तो करना चाहते हैं, सबको दिखाना तो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर अपनी सत्ता को, अपने धर्म की सत्ता को और अपनी अहिंसा को आज तक हम पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। राकेश जी, हमारे वीतराग आचार्यों ने मात्र किसी को मारना पीटना इतना ही त्याग करने के लिए अहिंसा नहीं की, किसी के प्राणों के वध को मात्र हिंसा नहीं कहा है, दूसरे को बदनाम करना भी हमारे यहाँ हिंसा कहा है। वध करना तो बहुत बहुत दूर की बात थी, पर बदनाम बोलो ना कि हाँ, कितना बदनाम, कितना बदनाम आज धर्म को ही धर्मात्मा ने करके रखा है। ध्यान रखना इस बात को, मैं कई बार कह चुका हूँ, जितना जितना धर्म को, देश को, राष्ट्र को और समाज को बदनाम हमारे लोगों ने नहीं किया, उतना दूसरे किसी ने नहीं किया। चाहे देश के गद्दार हो, चाहे धर्म के गद्दार हो, कोई बाहर से आया था? कोई बाहर से आया था? भारत का इतिहास उठा के देख लेना, जिन जिन देशों, जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन समाजों पर आक्रमण हुए हैं, वहाँ कोई बाहर का गद्दार नहीं था। गद्दार अगर कोई का था, तो हमारा ही स्वयं का था। देश पर आँच आई, धर्म पे आँच आई, समाज पे आँच आई, परिवार पर भी आँच आई है, तो मात्र और मात्र हमारे ही तथा कथित सो कॉल्ड, कहते ना आज सो कॉल्ड, तथा कथित जो सो कॉल्ड धर्मात्मा है, जो दिखावे के लिए धर्मात्मा पना ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने ही धर्म के साथ, देश के साथ गद्दारी करते हुए ये देश को, धर्म को, समाज को लांछन लगाने का काम किया है।
मात्र अहिंसा का नारा लगाने से आप अहिंसक नहीं कहलाने वाले। हमें वास्तविकता को समझना होगा कि जैसे जैसे हमारे लिए तीर्थंकरों ने और भगवंतों ने इस अहिंसा का व्याख्यान किया है, उसका कुछ अंश एक चुटकी भर, जितना चुटकी भर नमक भोजन में है उतना चुटकी भर अहिंसा का, अहिंसा धर्म का पालन मेरे भीतर है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद नहीं है। मात्र पूजा पाठ कर लेना, दान स्वाध्याय कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है गोदा जी तुम्हारे अहिंसा धर्म को जीवंत और जयवंत करने के लिए। पन्नों को पलट के रख लेना, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य भी चढ़ा लेना, पर अहिंसा का, अहिंसा के मायने ही तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें वीतराग महावीर की जय बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जय तब बोल लेना जब जय बोलने के पीछे तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ और अनंत चौबीसियों ने जो हमारे लिए वीतराग अहिंसामय विश्व धर्म प्रदान किया है उसे हम समझे और समझाने, समझने के साथ समझाने का प्रयास भी करें। समझाएंगे कैसे? हम ही नहीं समझे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? हम ही धर्म के धा को नहीं समझे है, हम क्या अहिंसा और क्या धर्म को समझते हैं? ऐसा नहीं है कि हमने आज तक सुना नहीं है, समझा नहीं है, सुना भी समझा भी, पर क्या करें महाराज, हम इतने भुलक्कड़ है कि नहीं? अच्छी बातें तो हम महाराज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर किसी ने कुछ कहा हो ना तो मरने तक याद रखते हैं, मरते मरते भी कह जाते, उससे कह देना मरते समय भी मत आना। उस कसाई की तो गांठ भीतर है, वो हम जिंदगी भर मरने के बाद भी नहीं भूल पा रहे, पर कोई अच्छी बात हमने सुन ली हम बहुत सहजता से भूल जाते, क्या करें महाराज जी भूल गए, सॉरी, हो गया काम। मात्र सॉरी कहने से, भूल गए कहने से, क्षमा मांगने से काम होने वाला नहीं था। आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटा सा कदम जो आपने उठाया था, वो तुम्हारे पूरे धर्म, परिवार, समाज और देश पर लांछन लगाने के लिए काफी होता। ये भी हिंसा थी। हमने दूसरों को बदनाम किया, धर्मात्माओं को बदनाम किया, किसी धर्म को भी बदनाम किया, तो ये भी तुमने बहुत बड़ी हिंसा की थी। प्राण एक नहीं होते, एक प्रकार के प्राण नहीं कहे हैं, 10 प्रकार के भले ही आगम में प्राण कहे हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना यश, अपना सम्मान, अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा भी प्राणों से प्यारी होती है। तुमने कीचड़ उछाल लिया, हो गया काम। तुम दूसरों पर कीचड़ उछाल पाओ नहीं उछाल पाओ, पर तुमने दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने शरीर का प्रयोग किया है, तो अपने वस्त्रों को भी कभी देख लेना, 2-4 छींटे तुम्हारे भी शरीर पर पड़ी है, पड़ी है। वो कीचड़ की छींटे पड़े नहीं पड़े, पर हमारा जैन धर्म कहता है कि कर्मों की कीचड़ तो तुमने अपने आत्मा पे लगा ही ली है, अब कैसे स्वतंत्र होगे, अब कैसे उससे स्वतंत्रता प्राप्त करोगे, ये भी तो विचार करो। आज बहुत 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 आवश्यकता है हमें अपनी स्वतंत्रता का, अपनी सत्ता का भान करने के लिए। भले ही कहने के लिए आपने अनेक शाखाएं, अनेक ग्रुप बनाए हैं, पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ग्रुप कितने, 350 कह रहे थे ना, 350 ग्रुप, मैं तो कहता हूँ 350 नहीं, जितने 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 जैन धर्म, वीतराग धर्म को मानने वाले हैं, वह प्रत्येक अपना अपना स्वयं का ही आत्मा का ग्रुप बनाए और उसे ही एक विश्व स्तर पर हमारा जैन धर्म और हमारा ये संकल्प विश्व तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि सैकड़ों हजार तो कम होते हैं, मैं तो कहता हूँ करोड़ों की तादाद में जितनी भी जैन समाज आज होगी, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं जैन सोशल हूँ, ग्रुप नहीं कहूँगा मैं, क्यों ग्रुप कहेंगे तो, क्योंकि कांसल जी ग्रुप सीमित होता है, हम ग्रुप नहीं,
हम पूरे ही जैन और पूरे जैन सोशल है ये मानकर अगर पूरे देश में हम आवाज़ उठाएंगे तो ग्रुपों ग्रुपों में हमें विभाजित होने की नहीं, पूरे अखंड भारत में 350 क्या पूरे जितनी समाज है वो पूरी ही जैन सोशल हो जाएगी तो क्या आनंद आएगा और क्या अनुभूति होगी। आज जितने भी अध्यक्ष और जितने भी सदस्य जो भी व्यक्ति यहाँ सुन रहे हैं उन सबको एक ही मेरी अपील है कि मात्र चंद दिनों में एकत्रित मत हो, मात्र चंद दिनों में एकत्रित मत हो। ऐसा भी समय हो सकता है सामने आ जाए, क्योंकि इतनी घटनाएं और दुर्घटनाएं जो सुन रहे हैं उनको सुनकर तर यही भीतर लगता है कि हमें ऐसी व्यवस्था और ऐसी संरचना करने की आवश्यकता है कि हमने एक आवाज़ उठाई तो पूरे देश में एक साथ उन दिनों में कुछ विशेष कार्य प्रारंभ होना चाहिए, इतनी तैयारी हमें रखने की आवश्यकता है। क्यों हो रहा है धर्मात्माओं पर हमला? क्यों आज एक निर्ग्रंथ साधु को बिना समाधि के टुकड़ों टुकड़ों के द्वारा मारा गया, जिन्होंने अपना जीवन अपना घर अपना परिवार मात्र उस अहिंसा के लिए दिया गया था, उसकी हिंसा इस अहिंसा के भूमि पे? जो अहिंसा का नारा लगाने वाले हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे अहिंसक वीतरागी तीर्थंकर भगवंतों के क्षेत्रों में मंदिरों पर आज कुदृष्टि पड़ रही है। क्यों? क्योंकि श्रावकों, क्योंकि सदस्यों, मात्र और मात्र आप सबकी छोटी सी भूल, छोटी सी कसाय और छोटी सी विपरीतता आज हमारे हाथ पैर टूटने के लिए मजबूर कर रही है। ये मत कह देना कहीं कर्नाटक में हुआ है, किसी नयापुरा के किसी मंदिर पे आंच आई है, इंदौर पे गोमटगिरी, नहीं, ये मेरी ही उंगली कट रही है, ये मेरे ही धर्म की उंगली कट रही है। क्या सोचने की विचार करने की आवश्यकता है उन तथा कथित धर्मात्माओं को जो बहुत 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 ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और अपने आप को धर्म के प्रतिनिधि कहते हैं, ऐसे सभी जीवों तक ये आवाज़ पहुंचा देना। सोशल का अर्थ ही सामाजिक होता है, सोशल ग्रुप वाले ना, सामाजिक होता है और सामाजिक का ही फल स्वतंत्रता हुआ करती है। अन्यथा मात्र ग्रुप बैनर फोटो तस्वीर, इनसे आज तक काम ना हुआ है ना आने वाले समय में होने वाला है। आवश्यकता इनकी भी है, निषेध में किसी का नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता सबकी है। हमारे वीतरागी आचार्य भगवान शांति सागर महाराज पहुँचे थे लाल किले पर फोटो खींचने के लिए नहीं, ये बताने के लिए हम भी इसी भारत के लाल किला जिसे आप अपना मानते हो उस पर भी एक दिगंबर मुनिराज पहुंच सकते हैं। ये इतिहास बनाने के लिए पहुंचे थे, उसकी आवश्यकता कथनचित है पर उसके लिए नहीं, अपितु हमें इतिहास को जीवंत और जयवंत करना है, जिन शासन के इस अहिंसा को अमर करना है, इसलिए पुरुषार्थ होना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।